हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इजी मैथ्स विद पी आंसर इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.1 के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। लुक हियर, यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिया है, इवेल्युएट द फॉलोइंग इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम, ठीक है। और क्वेश्चन दिया है नंबर वन, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3, ये 1 लोअर लिमिट रहेगा, 3 अपर लिमिट, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3, 3x - 4 dx, ओके। लुक हियर, आई इक्वल्स टू हम प्रॉब्लम कंसिडर करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 ऑफ 3x - 4 विथ रिस्पेक्ट टू x, या फिर इसे हम dx भी कहते हैं, ठीक है ना। लुक हियर, यहाँ पे हमें यूज करना है समेशन फॉर्मूला, यूजिंग, ध्यान दीजिए, समेशन फॉर्मूला, क्योंकि इंटीग्रल हमें इवेल्युएट करना है लेकिन एज अ लिमिट ऑफ सम, इसके लिए यहाँ पे हम समेशन फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। क्या है समेशन फॉर्मूला, देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ एच समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 to n एफ ऑफ ए प्लस आर एच, ओके। अब ये फॉर्मूला यूज करना है तो इस फॉर्मूला की हर एक टर्म का हमें वैल्यू फाइंड करना है। देखिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी को अगर हम 1 to 3 के साथ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू हमें 1 मिलेगा और बी इक्वल्स टू 3 रहेगा। ए को हम यहाँ पे लोअर लिमिट और बी को कहते हैं अपर लिमिट। हमारे पास फॉर्मूला है एच इक्वल्स टू बी माइनस ए अपॉन एन, बी का वैल्यू 3 है, ए का वैल्यू 1 है, अपॉन एन, इसका मतलब ये मिलेगा हमें 2 अपॉन n। देखिए, देयरफोर h इक्वल्स टू 2 अपॉन n है, इसका मतलब n h इक्वल्स टू हम 2 ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर h इक्वल्स टू 2/n है तो n h का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा, ओके, ध्यान दीजिए, ठीक है। अब देखिए, हमें f ऑफ a प्लस आर एच का भी वैल्यू चाहिए। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में f ऑफ x क्या है, ध्यान दीजिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना है, 3x - 4, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 3x - 4 है, ओके। अब यहां पे अगर हमें एफ ऑफ ए प्लस आर एच लेना है, एफ ऑफ ए प्लस आर एच मतलब एफ ऑफ व्हाट इज ए, ए का वैल्यू हमारे पास कितना है, 1 प्लस आर एच, इसका वैल्यू हमें फाइंड करना है, ओके। देखिए, एफ ऑफ एक्स अगर 3x - 4 है तो एफ ऑफ ए प्लस आर एच क्या, 1 प्लस आर एच क्या रहेगा, 1 प्लस आर एच मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हमें 1 प्लस आर एच रखना है, तो ये रहेगा 3 into 1 plus r h और यहाँ -4। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 plus 3 r h - 4 मिलेगा, इसका मतलब यहाँ का जो एफ ऑफ ए प्लस आर एच है इसका वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा, 3 - 4 1, तो ये रहेगा 3 r h - 1, ठीक है। देखिए, एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू हमारे पास है 3 r h - 1। अब हम यूज़ करेंगे समेशन फार्मूला। अगर ये समेशन फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर I इक्वल्स टू, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ओके, मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 3x - 4 इक्वल्स टू, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 3 है और एफ ऑफ एक्स हमारे पास, एफ ऑफ ए प्लस आर एच भी हम, देखिए आप क्या लेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स है 3x - 4 इक्वल्स टू क्या लेना है, लिमिट एच टेंस टू 0, ये फॉर्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, ये हमें यहाँ पे अप्लाई करना है, लिमिट एच टेंस टू 0, ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंस टू 0 यहाँ पे है एच, ओके, देन समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, और एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू हमारे पास है 3 r h - 1, ठीक है। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, नाउ एच, अब देखिए इसको हम सेपरेट करते हैं समेशन को, अगर समेशन को हमने सेपरेट किया तो क्या मिलेगा, समेशन फ्रॉम
r इक्वल्स टू 1 टू n 3 r h माइनस समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ 1। ठीक है ना, हमने समेशन को सेपरेटली ऑपरेट किया है। समेशन हम इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं और समेशन हम इसके ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब हम यहां से 3r बाहर ले सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट, सॉरी 3h बाहर ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि 3 कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है, वेरी कौन हो रहा है, किसका वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं। r इक्वल्स टू हम 1 ले सकते हैं, r इक्वल्स टू 2 ले सकते हैं, r इक्वल्स टू 3 ले सकते हैं, ऐसा r इक्वल्स टू हम n तक जा सकते हैं। लेकिन r इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, r इक्वल्स टू, इसका मतलब 3 और h इस समेशन के लिए कांस्टेंट है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ समेशन हम उसे बाहर ले सकते हैं। नाउ r इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0, देखिए यहां पे क्या रहेगा, लुक हियर, h इनसाइड द ब्रैकेट 3rh समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n, क्या बाहर लेना है, सॉरी हमें सिर्फ यहां पे 3h बाहर लेना है, सॉरी 3h बाहर लिया हमने, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n r रहेगा, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n 1 रहेगा। ठीक है ना, हमने यहां से 3r को बाहर लिया है, क्यों? क्योंकि 3 और r कांस्टेंट, सॉरी 3h को बाहर लिया है क्योंकि 3 और h कांस्टेंट है, r बाहर नहीं ले सकते क्योंकि r यहां का, r का वैल्यू वेरी हो रहा है, तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n यहां पे r लिया है, 3 और h को हमने बाहर लिया है बिकॉज दे आर कॉन्स्टेंट फॉर दिस समेशन, इस समेशन के लिए 3h कांस्टेंट है, उसको हमने बाहर लिया है। ठीक है, नाउ अब इंडिविजुअल हर एक का हम वैल्यू फाइंड करते हैं। समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ r, इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब हम r का वैल्यू 1 ले सकते हैं, फिर उसके बाद देना है प्लस, क्यों? क्योंकि समेशन है, इसका मीनिंग ही यही है। अब यहां का जो r है 1 से लेके n तक लेना है, मतलब फर्स्ट n नेचुरल नंबर लेने हैं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, 1 के बाद का नेचुरल नंबर 2 रहेगा, इसके बाद का नेचुरल नंबर 3 रहेगा, ऐसा हमें सम कहां तक लेना है, n तक लेना है। ये सिंबल हमें यही बता रहा है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n, इसका मतलब इस r का वैल्यू हम 1 से लेके n तक ले सकते हैं और हर दो टर्म के बीच में हमें प्लस लेना है बिकॉज इट इज समेशन। देखिए व्हाट इज दिस, इट इज द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला हमारे पास है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, इफ यू रिमेंबर, ये हमने 11th क्लास के सीक्वेंस एंड सीरीज जो चैप्टर नंबर 2 है मैथमेटिक्स पार्ट 2 का, उस चैप्टर में इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। अगर आपके ये ध्यान में नहीं आ रहा है, आप इस बात को रिकॉल नहीं कर रहे, तो हमारे पास उसके भी वीडियो लेक्चर से आप 11th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स पार्ट 2 का जो चैप्टर नंबर 2 है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसमें देख सकते हो, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ r हमने लिया n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ओके, नाउ लुक हियर, इसी प्रकार से इसका वैल्यू हम फाइंड करेंगे, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n ऑफ 1, नाउ दिस इज इक्वल्स टू, हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n, इस 1 को लिखूंगा मैं r रेस टू 0, क्योंकि r रेस टू 0 का वैल्यू 1 ही मिलेगा। ठीक है ना, अब जिस प्रकार से r का हमने यहां से r का वैल्यू हमने यहां क्या क्या लिया था, 1 से लेके n तक, सिमिलरली यहां पे भी हम r का वैल्यू 1 से लेके n तक लेंगे। r का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो 1 रेस टू 0, r का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 रेस टू 0। ठीक है ना, r का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे, अब r का वैल्यू क्या रखना है, 3, 3 रेस टू 0, ऐसा हमें कहां तक जाना है, n रेस टू 0 तक। ओके, अब देखिए 1 रेस टू 0 का वैल्यू 1 आएगा, 2 रेस टू 0 का वैल्यू 1 आएगा, 3 रेस टू 0 का वैल्यू भी 1 आएगा, अप टू n रेस टू 0 का वैल्यू भी हमें 1 ही मिलेगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी नंबर का पावर अगर 0 रहेगा, किसी भी नॉन जीरो नंबर का पावर अगर 0 रहेगा तो उसका वैल्यू हम 1 लेते हैं। अब ये टर्म्स कितने हैं, काउंट करते हैं, ध्यान दीजिए, सपोज हमने यहां तक काउंट किए 3 तक, 1 2 3, 3 टर्म्स है, 3 तक जाते हैं तो 3 टर्म्स है, n तक जाएंगे तो ऑफकोर्स n टर्म्स रहेंगे, तो ये हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार है ये, इट इज n टाइम्स, ध्यान दीजिए ये n टाइम्स है। ठीक है, इसका मतलब लुक हियर, देयरफोर
हम क्या कह सकते हैं, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू वन टू n ऑफ वन, इसका आंसर हमें n मिलेगा। क्यों? क्योंकि वन का सम कितने टाइम्स है, n टाइम्स। वन का सम सपोज अगर हमने थ्री टाइम्स लिया, वन प्लस वन प्लस वन, ऐसा थ्री टाइम्स लिया, आंसर क्या मिलेगा, थ्री। टेन टाइम्स लिया, टेन आंसर मिलेगा। हंड्रेड टाइम्स लिया, हंड्रेड आंसर मिलेगा। n टाइम्स लिया, n आंसर मिलेगा। तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू वन टू n ऑफ वन, इसका आंसर हमें यहां पे क्या मिल रहा है, n। ओके, अब देखिए ये दोनों भी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ध्यान दीजिए। देयरफॉर i इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, ओके, ऑफ h, फिर ब्रैकेट में 3h इंटू यन प्लस वन अपॉन टू, किसका वैल्यू, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू वन टू n, r का वैल्यू क्या है, n इंटू यन प्लस वन अपॉन टू। फिर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू वन टू n ऑफ वन का वैल्यू कितना है, n, तो यहां पे लेते हैं हम माइनस n, ठीक है। नाउ देयरफॉर ध्यान दीजिए, i इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, अब यहां पे हमें क्या मिलेगा, ठीक है। इस h से हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए इसे हम किस प्रकार से लिख पाएंगे, यहां पे लिखेंगे हम 3h, यह से 3 को मल्टीप्लाई किया 3h, ये hn है, तो यहां इसे लिखेंगे हम nh, फिर इसके बाद n प्लस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2, ओके, माइनस इस h से मल्टीप्लाई करते हैं तो nh, ठीक है। हमने क्या किया, देखिए इस h से मल्टीप्लाई किया, ये 3h लिया, ये hn था, इसको यहां पे nh लिखा, फिर ये n प्लस वन है, फिर ये 2 है, एज इट इज लिया, फिर इसी h से अगर n को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम nh लिख सकते हैं। अब देखिए हमारे पास nh का वैल्यू कितना है, 2, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर i इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू 0 इनसाइड द ब्रैकेट, ये 3h एज इट इज, लेकिन nh का वैल्यू हम 2 रखेंगे, 3h इंटू 2 इंटू n प्लस 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 2, माइनस अगेन nh का वैल्यू हमें 2 सब्स्टिट्यूट करना है, जहां जहां nh है वहां हमें 2 रखना है, ठीक है। यहां हम चाहे तो जस्टिफाई कर सकते हैं, रीजन लिख सकते हैं nh इक्वल्स टू 2, nh का वैल्यू हमने क्या रखा है, 2। अब देखिए ये 2, ध्यान दीजिए ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल होगा, हमारे पास क्या बचा है, 3h, 3h से अगर हम n प्लस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके, ध्यान दीजिए 3h से n को मल्टीप्लाई किया तो 3nh, फिर बाद में प्लस 3h, ओके, 3 से मल्टीप्लाई, 3h से मल्टीप्लाई किया 3nh प्लस 3h, और फिर ये है माइनस 2, बहुत ही सिंपल है, हमने क्या किया 3h से मल्टीप्लाई किया है। फिर से हम nh का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, i इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 3 इंटू, वॉट इज nh, nh का वैल्यू हमारे पास 2 है, 3 इंटू 2 प्लस 3h माइनस 2, ओके, ध्यान दीजिए। नाउ हियर देयरफॉर हम i इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 इनसाइड द ब्रैकेट 6 प्लस 3h माइनस 2, ठीक है, h टेंस टू 0, अब ये 6 माइनस 2 हमें 4 मिलेगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ये रहेगा 4 प्लस 3h, ठीक है। अब हमें लिमिट लेना है सेपरेट, देखिए अगर हम सेपरेट लिमिट लेते हैं तो क्या मिलेगा, i इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 4 प्लस लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 3h, ठीक है, देयरफॉर i इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 4 4 प्लस 3 इंटू 0, h का वैल्यू हमें 0 मिलेगा, एंड देयरफॉर i इक्वल्स टू 4,
ओके, इसका मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 3x-4 dx, इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, 4। ठीक है, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 3 3x-4 dx, इसका आंसर हमें क्या मिला है, 4। लेकिन ये हमने किस प्रकार से इसे इवेल्युएट किया है, एज अ लिमिट ऑफ सम, यहां पे हमने समेशन फॉर्मूला यूज किया है। ठीक है, समेशन फॉर्मूला यूज करके इसका आंसर हमने फाइंड किया है। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x² dx। ओके, चलिए हम आई इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं, आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 x² dx, और यहां पे हमें यूज करना है समेशन फॉर्मूला। नाउ यूजिंग समेशन फॉर्मूला, ओके, देखिए हमारे पास समेशन फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f(x) dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ h समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n f(a+rh), ठीक है ना, f(a+rh), ओके। अब हम कंपेयर करते हैं, देखिए therefore यहाँ पे हमारे पास a का वैल्यू मतलब लोअर लिमिट 0 रहेगा, b का वैल्यू मतलब अपर लिमिट 4 है, h इक्वल्स टू है b-a/n, therefore h इक्वल्स टू 4-0/n, therefore h इक्वल्स टू 4/n, ओके। अगर h इक्वल्स टू 4/n है तो n h का वैल्यू क्या रहेगा, 4। ठीक है, NH इक्वल्स टू 4, हमें NH का वैल्यू क्या मिला है, 4। ठीक है, इसके बाद हमारे पास देखिए f(x) क्या है, व्हाट इज f(x) हियर, f(x) का वैल्यू है x2। ठीक है, f(x) इक्वल्स टू x2 है। अब f(a+rh) फाइंड करना है, f(a+rh) मतलब f(0+rh), ओके, क्योंकि a का वैल्यू 0 है, देयरफॉर लुक हियर f(a+rh) इक्वल्स टू f(0+rh) मतलब f(rh). ठीक है, अब यहां का f(x) अगर x2 है, देखिए f(x) अगर x2 है तो f(rh) क्या रहेगा, देखिए f(x) मतलब जो ब्रैकेट में टर्म है आगे जाके उसका स्क्वायर मिल रहा है, जो यहाँ पे ब्रैकेट में टर्म है ये f क्या कर रहा है, उसका हमें स्क्वायर दे रहा है, तो यहाँ पे भी ब्रैकेट में rh है तो f क्या करेगा, ब्रैकेट में जो टर्म है उसका हमें स्क्वायर देगा, तो इसका मतलब f(rh) का वैल्यू मिलेगा हमें r²h²। ये रहा हमारे पास f(a+rh), ओके। नाउ आई इक्वल्स टू, अब देखिए आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ये साइड लेना है हमें, ये फॉर्मूला लेना है, ये और ये अब सेम है तो हमें ये साइड लेना है, मतलब आई इक्वल्स टू क्या रहेगा, लिमिट h टेंस टू 0, ओके, फिर यहाँ पे h है, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, और f(a+rh) का वैल्यू हमारे पास है r²h²। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, देयरफॉर i इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे h स्क्वायर हम बाहर ले सकते हैं, मतलब यहाँ हमें h क्यूब मिलेगा, समेशन से बाहर लेते हैं हम, h क्यूब मिलेगा, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r² रहेगा। ठीक है, देखिए इसका फॉर्मूला है हमारे पास, समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r² इक्वल्स टू है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6। ये वैल्यू है हमारे पास समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r² का, फॉर्मूला ही है, देयरफॉर r इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके, यहाँ पे है h क्यूब,
और यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6। हमने किसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है? समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n r स्क्वायर का। नाउ देयरफॉर I इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान दीजिए। अब ये जो h क्यूब है, h क्यूब मतलब h इंटू h इंटू h। देखिए हम किस प्रकार से लेते हैं h क्यूब को, ये जो n है इसके साथ लेते हैं हम h, ओके। फिर ये जो n प्लस वन है n h, ठीक है, n प्लस वन है, यहाँ पे एक h लेंगे इसके साथ, ये n h हमने लिया। फिर h किसके साथ? n प्लस वन के साथ, ओके। अगेन h किसके साथ? 2n प्लस वन के साथ, h इंटू 2n प्लस वन, 2n प्लस वन, ठीक है ना, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6, ओके। डिफरेंस देखिए, ध्यान में लीजिए, h इंटू h इंटू h मतलब क्या है? h क्यूब। तो इसी h क्यूब को हमने h इंटू h लिखा है। ये क्यों लिखा है आपको पता चला होगा। नाउ therefore, ध्यान दीजिए, therefore I equals to लिमिट h टेंस टू 0 इनसाइड द ब्रैकेट, ये पहला टर्म n h, ओके। फिर इसके बाद का टर्म h से मल्टीप्लाई किया तो n h प्लस 1, फिर इसके बाद और h से मल्टीप्लाई किया तो 2 n h प्लस h, सॉरी 1 नहीं, यहाँ पे भी h ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हम यस से हर एक टर्म को देखिए, ये एन एच है, यस से इसे मल्टीप्लाई किया एन एच, फिर वन को मल्टीप्लाई किया एच मिलेगा, यस से टू एन को मल्टीप्लाई किया टू एन एच, यस से वन को मल्टीप्लाई किया एच मिलेगा, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6, ओके, दिस इज डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। अब ये ब्रैकेट नहीं लिया तो भी चलेगा। अब जहां जहां एन एच है वहां पे हम क्या रख सकते हैं? वहां रख सकते हैं हम 4, ठीक है। therefore I equals to क्या मिलेगा? therefore I equals to लिमिट h टेंस टू 0, जहां जहां n h है वहां पे हमें 4 रखना है, तो ये मिलेगा हमें 4 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 4 प्लस h इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 2 इंटू 4 प्लस h एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6। देखिए हमने क्या किया, एन एच था इसका वैल्यू हमने 4 रखा है, यहाँ पे एन एच था इसका वैल्यू हमने 4 रखा है, यहाँ पे एन एच था 2 के साथ तो 2 इंटू 4 लिया है। यहाँ पे हम जस्टिफाई करेंगे क्या, सिंस एन एच का वैल्यू हमारे पास 4 है, ओके। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू 0, 4 इंटू 4h, 4 प्लस h इंटू 8 प्लस h, ओके। नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, चलिए अब लिमिट लेते हैं, तो इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 4 चलेगा, इंटू लिमिट h टेंस टू 0 ऑफ 4 प्लस h अपॉन 6, लिखना भूल गए हम, ठीक है ना, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय क्या है? 6, ठीक है। हम डायरेक्टली हमने यहाँ पे लिमिट लिया तो भी चलेगा, चलेगा, हम इसका अगर लिमिट लेते हैं तो क्या मिलेगा देखिए, या चाहे तो आप इसे सेपरेट भी कर सकते हो। अगर हमने लिमिट लिया तो क्या मिलेगा? 4 इंटू 4 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 0, ओके, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6, चलेगा, हमने यहाँ पे लिमिट लिया है। देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा? 4 इंटू 4 इंटू 8 अपॉन 6, 4 प्लस 0 4, 8 प्लस 0 भी 8 ही मिलेगा। अब यहाँ पे हम अगर देखिए, हम अगर डिवाइड करते हैं 2 से, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, ओके, therefore I equals to हमें आंसर क्या मिलेगा? 4 इंटू 4 इंटू 4 इट विल बी 64 अपॉन 3, ये किसका आंसर है? therefore इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4
एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल्स टू 64 अपॉन 3, ठीक है। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 4, एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 64 अपॉन 3। ओके, चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 ई रेस टू एक्स डी एक्स। ओके, चलिए इसे हम आई इक्वल्स टू कंसिडर करते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 ई रेस टू एक्स डी एक्स। अब हमें यूज करना है समेशन फॉर्मूला, ध्यान दीजिए, यूजिंग समेशन फॉर्मूला। अगर हम समेशन फॉर्मूला यूज करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा, क्या है समेशन फॉर्मूला हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, फिर एच समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ओके, अब हमें इसके वैल्यूज फाइंड करने हैं, इसमें हर एक का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। अब देखिए अगर इसे हम कंपेयर करते हैं, यहाँ का लोअर लिमिट ए है, यहाँ का लोअर लिमिट ज़ीरो है, मतलब ए इक्वल्स टू ज़ीरो। यहाँ का अपर लिमिट जो है, ध्यान दीजिए, यहाँ का अपर लिमिट बी है, यहाँ का अपर लिमिट टू है, बी इक्वल्स टू टू। एच अगर हम फाइन करते हैं, एच हमारे पास है बी माइनस ए अपॉन एन, बी का वैल्यू टू है, ए का वैल्यू ज़ीरो है, अपॉन एन इसका मतलब टू अपॉन एन। ओके, देयर फोर एच हमारे पास टू अपॉन एन है। अगर एच टू अपॉन एन है, इसका मतलब एन एच इक्वल्स टू हम ले सकते हैं टू, ये एन एच आगे हमें यूज करना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से एफ ऑफ एक्स लेते हैं, कंपेयर कीजिए, देखिए यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स है ये ई रेस टू एक्स है। नाउ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ई रेस टू एक्स, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, ई रेस टू एक्स। ओके, अगर हम एफ ऑफ ए प्लस आर एच फाइंड करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस आर एच मतलब एफ ऑफ जीरो प्लस आर एच। ओके, देयरफोर एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू हमें मिलेगा सिंपली एफ ऑफ आर एच। अगर एफ ऑफ एक्स ई रेस टू एक्स है, इसका मतलब क्या, जो ब्रैकेट में टर्म है, इस टर्म को एफ किस प्रकार से हमारे सामने ला रहा है, ई के पावर में, एक्स है तो ई के पावर में ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे आर एच है तो ई के पावर में हमें आर एच मिलेगा, देयरफोर एफ ऑफ ए प्लस आर एच इक्वल्स टू ई रेस टू आर एच, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे यूज करते हैं इस फॉर्मूला को, लेकिन ये जो है ये हमारा आय है, मतलब ये टर्म है, देयरफोर आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, देयरफोर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो, यहाँ पे एच है, समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, और एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू है ई रेस टू आर एच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम आर वन से स्टार्ट करते हैं अप टू एन, ठीक है, तो क्या मिलेगा, देयरफोर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एच। अब यहाँ पे टर्म्स हमें क्या मिलेंगे, अगर आर का वैल्यू हम वन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये e रेस टू एच मिलेगा। ओके, अगर इसके बाद लेना है प्लस, r का वैल्यू हमने पहले वन सब्स्टिट्यूट किया है, अगर r का वैल्यू हम टू सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e रेस टू टू एच, फिर r का वैल्यू अगर हम थ्री सब्स्टिट्यूट करते हैं तो e रेस टू थ्री एच। ओके, प्लस डॉट 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 प्लस, लास्ट में हमें r का वैल्यू n रखना है, मतलब e रेस टू n एच, ठीक है। देखिए टर्म्स किस प्रकार से है, ई रेस टू एच, फिर बाद में ई रेस टू टू एच, फिर ई रेस टू थ्री एच, अप टू ई रेस टू एन एच। ध्यान दीजिए अगर हम ई रेस टू टू एच अपॉन ई रेस टू एच लेते हैं तो हमें ई रेस टू एच आंसर मिलेगा, मतलब ई रेस टू टू एच अपॉन ई रेस टू एच, मतलब सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशो लेते हैं तो हमें ई रेस टू एच मिलेगा। सिमिलरली थर्ड और सेकंड टर्म का रेशो लेते हैं तो ई रेस टू एच मिलेगा।
किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो यहां पे हमें कांस्टेंट मिल रहा है, कितना मिल रहा है, e रेस टू h। तो यहां के जो टर्म्स है, द सीरीज देखिए, द सीरीज कौन सी, e रेस टू h, फिर e रेस टू 2h, फिर e रेस टू 3h, ऐसा कहां तक, e रेस टू n h तक। ये जो सीरीज है फॉर्म अ जीपी, ये सीरीज यहां पे जीपी फॉर्म कर रही है। ओके, द टर्म्स e रेस टू h, e रेस टू 2h, e रेस टू 3h, e रेस टू n h, दे फॉर्म जीपी विथ फर्स्ट टर्म, विथ हम क्या कहेंगे, विथ फर्स्ट टर्म, विथ फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, e रेस टू h, और यहां का जो कॉमन रेशियो है, मतलब किसी भी दो कॉन्जिगेटिव टर्म का रेशो, ये हमें e रेस टू h ही मिल रहा है। तो ये इस प्रकार का जीपी है जिस जीपी का फर्स्ट टर्म e रेस टू h है और कॉमन रेशो e रेस टू h है। देखिए हमने सीक्वेंस एंड सीरीज में सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ जीपी का फॉर्मूला देखा है, और वो जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें क्या बताता है, अगर सपोज हमें e रेस टू h, फिर प्लस e रेस टू 2h, प्लस e रेस टू 3h, अप टू e रेस टू nh, इसका सम अगर हमें लेना है, ये अगर जीपी इसका सम लेना है, तो हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे लेते हैं हम फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना है e रेस टू h, ओके, फिर लेते हैं कॉमन रेशो का यंथ पावर, मतलब e रेस टू h रेस टू n माइनस वन अपॉन, यहां पे कॉमन रेशो माइनस वन, मतलब e रेस टू h माइनस वन। देखिए इस प्रकार से हम सम लेते हैं e रेस टू h, e रेस टू 2h, क्या लेते हैं फर्स्ट टर्म, फिर कॉमन रेशो का यंथ पावर, ठीक है ना, फर्स्ट टर्म को हम जनरली कहते हैं a। अब यहां पे मैं a लिखूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, देखिए फॉर्मूला इस प्रकार का है, फॉर्मूला जो है, अगर हम e रेस टू h को सपोज फर्स्ट टर्म ए कहते हैं कैपिटल ए, और इसे कॉमन रेशो आर कहते हैं, कॉमन रेशो को अगर आर कहते हैं, तो ये फॉर्मूला हमारे पास किस प्रकार का है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब आपको फॉर्मूला फिर याद आएगा जो हमने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। देखिए फॉर्मूला किस प्रकार से है, ए इंटू इनसाइड द ब्रैकेट आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। अब एक्चुअली यहाँ पे स्मॉल ए लिया जाता है फर्स्ट टर्म के लिए, मैंने कैपिटल ए क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास स्मॉल ए आ है लोअर लिमिट के लिए, ठीक है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे, इसके लिए मैंने ये फॉर्मूला, अगर आप कन्फ्यूज़ नहीं होते हो तो मैं इसे स्मॉल ए ही लिखता हूँ, ठीक है, लेकिन ये स्मॉल ए, ये स्मॉल ए नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे आएगा स्मॉल ए, ठीक है। फर्स्ट टर्म हम किसे कहते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ फिर मैं अब, ठीक है ना, ध्यान दीजिए, फर्स्ट टर्म हम स्मॉल ए को कहते हैं, इसका वैल्यू e रेस टू h है, कॉमन रेशो को हम r कहते हैं, इसका वैल्यू भी हमारे पास e रेस टू h है, तो इसका मतलब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखिए तो क्या मिलेगा, a, व्हाट इज a, a इज e रेस टू h, इनसाइड द ब्रैकेट e रेस टू h ब्रैकेट रेस टू n माइनस वन अपॉन e रेस टू h माइनस वन, ठीक है, तो इसका मतलब ये आंसर हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, नाउ इट विल बी e रेस टू h इनसाइड द ब्रैकेट e रेस टू n h माइनस वन अपॉन e रेस टू h माइनस वन, ठीक है, तो e रेस टू h प्लस e रेस टू 2h प्लस e रेस टू 3h अप टू e रेस टू n h का वैल्यू हमें e रेस टू h इनटू इनसाइड द ब्रैकेट e रेस टू n h माइनस वन अपॉन e रेस टू h माइनस वन मिल रहा है। ये अगर वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो देखिए हमें i इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर i इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ h, और इसका सम, ये ब्रैकेट का सम, मतलब इन टर्म का सम हमें क्या मिल रहा है, e रेस टू h इनसाइड द ब्रैकेट e रेस टू n h माइनस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय e रेस टू h माइनस वन, ओके, ये टर्म हमें मिला है, इस ब्रैकेट का जो सम हमारे पास है इसका आंसर हमें ये मिला है, ठीक है। अब देखिए, नाउ लुक हियर, एन एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, 2 है, तो इसे हम किस प्रकार से ले सकते हैं, देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो ऑफ एच
फिर ई रेस टू एच, ई रेस टू एच इन टू इन साइड द ब्रैकेट ई स्क्वायर माइनस वन अपॉन ई रेस टू एच माइनस वन, ठीक है ना. सिंस एन एच इक्वल्स टू, सिंस एन एच इक्वल्स टू टू, एन एच का वैल्यू हमारे पास कितना है, टू है. ओके नाउ लुक हियर, देयरफॉर I equals to limit h tends to 0 e raised to h into e square minus 1, और इस टर्म को देखिए, इस h को हम किस प्रकार से लिखेंगे, e raised to h minus 1 upon h. अगर हम सेपरेट लिमिट लेते हैं, therefore I equals to न्यूमरेटर का लिमिट, मतलब लिमिट h tends to 0 e raised to h into e square minus 1 upon limit h tends to 0 e raised to h minus 1 upon h. तो ये फॉर्मूला ही हमारे पास क्या है, फॉर्मूला यूजिंग, देखिए फॉर्मूला किस प्रकार का है, यूजिंग लिमिट x tends to 0, हमने 11th स्टैंडर्ड में लिमिट चैप्टर में देखा है, लिमिट x tends to 0 e raised to x minus 1 upon x equals to 1, मतलब log of e उसका वैल्यू कितना रहेगा, 1. तो ये फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम यूज करते हैं तो i equals to क्या मिलेगा, therefore i equals to, ध्यान दीजिए अब न्यूमरेटर का लिमिट क्या मिलेगा, h tends to 0 है मतलब e raise to 0, e raise to 0 into e square minus 1 upon, यहाँ पे हमने फॉर्मूला यूज किया तो 1 मिलेगा, e raise to 0 का वैल्यू 1 रहेगा, therefore i equals to 1 into e स्क्वायर माइनस वन अपॉन वन, लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब i मिला है हमें e स्क्वायर माइनस वन, i का वैल्यू क्या मिला है, e स्क्वायर माइनस वन. लुक हियर, देयरफॉर व्हाट इज i हियर, इंटीग्रेशन फ्रॉम, देयरफॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 e रेस टू x dx, इसका आंसर हमें मिला है e स्क्वायर माइनस वन. ओके इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 e raise to x dx, इसका आंसर हमें क्या मिला है, e square minus 1. ठीक है, चलिए इसी प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमें, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 3x square minus 1 dx. ओके अब यहां पे हम i equals to consider करते हैं, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 3x square minus 1 dx. ओके यहां पे यूज करते हैं हम समेशन फॉर्मूला. नाउ यूजिंग व्हाट समेशन फॉर्मूला, अगर सपोज हमने समेशन फॉर्मूला यहां पे यूज किया तो देखिए हमें समेशन फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 टू n f ऑफ a प्लस r h, इट इज अवर समेशन फॉर्मूला. ठीक है अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू 0 है लोअर लिमिट, फिर b का वैल्यू 2 है. ओके h क्या मिलेगा, h इक्वल्स टू b माइनस a अपॉन n. ओके इक्वल्स टू 2 माइनस 0 अपॉन n इक्वल्स टू 2 अपॉन n, देयरफॉर h का वैल्यू हमें 2 अपॉन n मिला है, इसका मतलब nh इक्वल्स टू हमारे पास 2 रहेगा. ठीक है nh का वैल्यू कितना है, 2 है. ओके अब हम f ऑफ x कंसीडर करते हैं, ये हमें यूज करना है आगे. व्हाट इज f ऑफ x नाउ, f ऑफ x का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1. f ऑफ a प्लस आर एच क्या रहेगा, क्योंकि हमें f ऑफ a प्लस आर एच चाहिए, f ऑफ a प्लस आर एच इक्वल्स टू f ऑफ 0 प्लस आर एच, बराबर है a का वैल्यू 0 है, देयरफॉर f ऑफ a प्लस आर एच इक्वल्स टू f ऑफ आर एच रहेगा. ठीक है ना, f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू f ऑफ आर एच. अब देखिए f ऑफ x अगर हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 1 है तो इस f ऑफ आर एच का वैल्यू रहेगा 3 इंटू आर एच ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 1.
नाउ दिस इज इक्वल्स टू 3r² h² -1। ये वैल्यू किसका है हमारे पास, f ऑफ a प्लस आर एच, f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू है 3r² h² -1। नाउ देयरफॉर देखिए हम अब i इक्वल्स टू क्या कंसिडर कर सकते हैं, i इक्वल्स टू नाउ लिमिट h टेंस टू जीरो, ओके ये टर्म लेना है, लिमिट h टेंस टू जीरो ऑफ h समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n, f ऑफ a प्लस आर एच का वैल्यू हमने फाइंड किया है कितना है 3r² h² -1। ओके अब इसे हम सॉल्व करेंगे। नाउ देयरफॉर r इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, ध्यान दीजिए लिमिट h टेंस टू जीरो, नाउ h, अब ये समेशन यहाँ पे अगर ऑपरेट करते हैं तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n 3r² h² - समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1, ठीक है। नाउ देयरफॉर r इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू जीरो, नाउ h यहाँ पे अगर हम 3h² बाहर लेते हैं, क्यों ले सकते हैं, बिकॉज ये कॉन्स्टेंट्स हैं, क्योंकि r के ऊपर ही वैल्यू लेने हैं हमें, तो समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n यहाँ मिलेगा r² - समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1, ठीक है। हमने एक्चुअली इसके पहले इसका वैल्यू फाइंड किया है, फिर भी यहाँ पे अलग से फाइंड करते हैं। देखिए समेशन फ्रॉम, ध्यान दीजिए समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n आर स्क्वायर मतलब 1² + 2² + 3² up to n² आर का वैल्यू 1, आर का वैल्यू 2, आर का वैल्यू 3 और हर दो टर्म में हमें सम लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए ये हमारे पास n into n + 1 upon 2 square है, तो ये हमारे पास है n into n + 1 into 2n + 1 upon 6, क्योंकि हर एक टर्म का स्क्वायर है। इट इज सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर क्या मिलेगा, n into n + 1 into 2n + 1 upon 6, ठीक है। अब इसी तरह से हम समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1 फाइंड करते हैं। लुक हियर, इसे हम लिख पाएंगे समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n r raised to 0, r raised to 0 का मतलब कितना है 1 है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, अब यहां पे लेते हैं हम 1 raised to 0 + 2 raised to 0 + 3 raised to 0 up to n raised to 0, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, 1 raised to 0 मतलब 1, 2 raised to 0 मतलब 1, 3 raised to 0 मतलब 1, up to n raised to 0 मतलब 1, हाउ मेनी टाइम्स, इट इज n टाइम्स। ये कितने बार है, 1 का सम कितने बार है, n टाइम्स है। ओके नाउ देयरफॉर लुक हियर, देयरफॉर समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1 इक्वल्स टू ये रहेगा n। अब हमारे पास देखिए इसका वैल्यू है और इसका भी वैल्यू है, देयरफॉर r इक्वल्स टू क्या मिलेगा, देयरफॉर r इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, तो ये रहेगा h, फिर इसके बाद 3h² into summation from r equals to 1 to n r square, ये है n into n plus 1 into 2n plus 1 एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय 6, ओके माइनस अब समेशन फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n ऑफ 1 का आंसर क्या है, n, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अब इसे अगर हम यस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर r इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए r इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, ओके अब इस यस से 3h² को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 3h³ साथ में n into n plus 1
इंटू टू एन प्लस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय सिक्स, ओके, माइनस, अब इस एस से एन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा एन एच, ठीक है ना, एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एन एच। अब देखिए यहां पे हम एन एच का वैल्यू टू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। देखिए इस एच क्यूब को हम एडजस्ट करेंगे, ध्यान दीजिए, नाउ देयरफॉर I equals to limit h tends to 0, now into inside the bracket 3h cube into n plus 1 into 2n plus 1, ये जो है, अब इस 3 से 6 को डिवाइड करते हैं तो 2 मिलेगा। तो देखिए इस h cube को हम एडजस्ट करने जा रहे हैं किस प्रकार से, n इसके साथ हम h लेते हैं, ओके, फिर h into हम n plus 1 लेते हैं, फिर अगेन हम h इंटू टू एन प्लस वन लेते हैं, h इंटू टू एन प्लस वन, ठीक है, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, क्यों, क्योंकि 3 से हमने 6 को डिवाइड किया है। नाउ लुक हियर, एच क्यूब हमने इस n के साथ, फिर इस ब्रैकेट के साथ h, और फिर इस ब्रैकेट के साथ h एडजस्ट किया एच क्यूब को, ठीक है। नाउ देयर माइनस, माइनस कितना है, सॉरी माइनस है n h, माइनस एन एच, नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, तो यहां रहेगा एन एच इनसाइड द ब्रैकेट एन एच प्लस एच इनसाइड द ब्रैकेट टू एन एच प्लस एच, और फिर यहां पे माइनस एन एच, ओके, नाउ दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू और फिर माइनस एन एच, ठीक है ना। हर एक जगह पे हम एन एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए एन एच का वैल्यू हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, एन एच इक्वल्स टू टू है, देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब इस एन एच का वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, सपोज टू, यहाँ पे टू प्लस एच, यहाँ पे टू इंटू टू प्लस एच, ठीक है, टू इंटू टू प्लस एच, माइनस अगेन एन एच का वैल्यू टू एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, होल मतलब फर्स्ट होल टर्म, ठीक है। अब यहां का टू इस टू के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, दिस टू कैन बी कैंसिल विद दिस टू, ये टू को इस टू के साथ अगर कैंसिल किया तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, देखिए फर्स्ट ब्रैकेट है टू प्लस एच, सेकेंड ब्रैकेट है 4 प्लस एच, और फिर यहाँ पे है माइनस टू। अब हम लिमिट ले सकते हैं, अगर हमने लिमिट एच टेंस टू जीरो लिया तो आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, लुक हियर 2 प्लस जीरो इंटू 4 प्लस जीरो और फिर यहाँ पे माइनस टू, एच का वैल्यू हमने जीरो सब्स्टिट्यूट किया है, एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू 2 प्लस जीरो इज 2, 4 प्लस जीरो इज 4, माइनस टू, फर्स्ट ब्रैकेट का वैल्यू 2 मिलेगा, सेकंड ब्रैकेट का वैल्यू 4 मिलेगा, एंड देयरफॉर आई इक्वल्स टू 8 माइनस 2, इसका मतलब आई का वैल्यू 6, ओके, इसका वैल्यू हमें क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, ठीक है ना, इस कंप्लीट टर्म का वैल्यू हमें 6 मिल रहा है, ओके। नाउ लुक हियर, अब हमें क्या करना है, देखिए मतलब इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, ठीक है ना, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 1, इसका वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2, 3x स्क्वायर माइनस 1 dx इक्वल्स टू कितना रहेगा, यहां पे रहेगा ये 6, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 3 एक्स क्यूब डी एक्स, वैसे इसका आंसर तो हम ओरली ही बता सकते हैं, लेकिन इसे सॉल्व करना है इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ सम से, ठीक है। ओरली क्या रहेगा, हमें पता है एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 रहेगा, ठीक है ना, एक्स रेज टू 4 अपॉन 4 मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा, अपर लिमिट 3 है तो 3 रेज टू 4 मतलब 81 अपॉन 4 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1 अपॉन 4 मतलब 20 अपॉन 4 80 अपॉन 4 80 अपॉन 4 का आंसर 20, तो इसका आंसर हमें 20 मिलेगा, ये तो हम ओरली बता सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन का
फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। वो अगर फॉर्मूला यूज करते हैं तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन मिलेगा एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लेते हैं तो आंसर 20 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं इसे इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ सम से। ठीक है ना, लुक हियर, समेशन फॉर्मूला यूज करना है। पहले हम दिया हुआ प्रॉब्लम लिखते हैं। क्या दिया है प्रॉब्लम, देखिए हमें इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 3 एक्स क्यूब डी एक्स, आंसर क्या मिलने वाला है 20। ठीक है, नाउ यूजिंग समेशन फॉर्मूला, थोड़ा सा इसका सोल्यूशन आप ले दिए, ध्यान दीजिए। यूजिंग समेशन फॉर्मूला, देखिए हमारे पास समेशन फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो सम एच समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच। ठीक है ना, अब यहाँ पे लुक हियर, यहाँ पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो ए का वैल्यू हमारे पास 1 है लोअर लिमिट, बी का वैल्यू हमारे पास 3 है अपर लिमिट, और एच इक्वल्स टू लेते हैं हम बी माइनस ए अपॉन एन, इसका मतलब 3 माइनस 1 अपॉन 2 देयर फोर एच इक्वल्स टू, सॉरी 3 माइनस 1 अपॉन एन देयर फोर एच इक्वल्स टू मिलेगा 2 अपॉन एन, इसका मतलब एच इक्वल्स टू क्या रहेगा, एन एच इक्वल्स टू 2, एन एच इक्वल्स टू 2। ओके, इस एन को इधर हम ट्रांसफर करते हैं तो एन एच का वैल्यू हम आगे जाके क्या ले सकते हैं 2। ठीक है ना, नाउ लुक हियर, अब हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स हियर, एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ ए प्लस आर एच, एफ ऑफ ए प्लस आर एच हमें फाइंड करना है। ओके, लुक हियर, ए का वैल्यू हमारे पास है, व्हाट इज ए, ए इज 1, मतलब एफ ऑफ 1 प्लस आर एच फाइंड करना है। अब एफ ऑफ एक्स अगर एक्स क्यूब है, मतलब ब्रैकेट के टर्म को एफ क्या कर रहा है, क्यूब में कन्वर्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रैकेट के टर्म को क्यूब में कन्वर्ट करेगा, मतलब 1 प्लस आर एच ब्रैकेट क्यूब रहेगा। अगर एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब है तो एफ ऑफ 1 प्लस आर एच रहेगा 1 प्लस आर एच ब्रैकेट क्यूब। ओके, नाउ देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस आर एच इक्वल्स टू, अब वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का अगर फॉर्मूला हम यूज करते हैं तो फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब 1 प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर इंटू सेकेंड टर्म मतलब 3 आर एच प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म का स्क्वायर मतलब 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब आर क्यूब एच क्यूब। चाहे तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, देखिए हमने यहाँ पे इसे एक्सपांड करने के लिए ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज़ किया है, ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फॉर्मूला हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। तो हमारे पास एफ ऑफ ए प्लस आर एच का भी वैल्यू है। ठीक है, नाउ लुक हियर, अब हम लिखते हैं आई, देयरफॉर आई इक्वल्स टू क्या रहेगा, देखिए आई इक्वल्स टू, नाउ आई इक्वल्स टू कितना रहेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ध्यान दीजिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, फिर यहाँ पे है एच समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू, ये कंप्लीट टर्म क्या है, 1 प्लस 3 आर एच प्लस 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पे आर क्यूब है, आर क्यूब एच क्यूब, आर क्यूब एच क्यूब। ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज रहेगा। ठीक है, देखिए क्या किया हमने, सिंपली यहाँ पे वैल्यू ये एफ ऑफ ए प्लस आर एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया है 1 प्लस 3 आर एच प्लस 3 आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस आर क्यूब एच क्यूब, ये वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक है, अब इस समेशन को हम सेपरेट करते हैं, चलेगा, इस समेशन को अगर हम सेपरेट करते हैं तो देखिए आई इक्वल्स टू क्या मिलेगा, आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ध्यान दीजिए एच, नाउ समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन, एक्चुअली यहाँ पे मैं ब्रैकेट देता हूँ क्योंकि एच मल्टीप्लिकेशन में है, फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, अगेन प्लीज प्लस समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन, यहाँ 3 आर एच है, अगेन समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन, यहाँ पे क्या रहेगा 3 आर स्क्वायर एच स्क्वायर, अगेन प्लस
समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन, यहाँ पे क्या रहेगा आर क्यूब एच क्यूब, ठीक है ना, ये छोटा ब्रैकेट क्लोज करना है हमें, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ओके देखिए, हमने समेशन यहाँ पे इंडिविजुअल टर्म पे समेशन हम ऑपरेट कर रहे हैं, वन के ऊपर ऑपरेट किया, थ्री आर एच के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, थ्री आर स्क्वायर एच स्क्वायर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, आर क्यूब एच क्यूब के ऊपर इसे ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हमें पता है ये थ्री और ये एच कॉन्स्टेंट है, इसे बाहर लेते हैं, यहाँ पे थ्री एच स्क्वायर कॉन्स्टेंट है उसे समेशन के बाहर लेते हैं, यहाँ पे एच क्यूब कॉन्स्टेंट है उसे समेशन के बाहर लेते हैं। देयरफोर आर इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए थोड़ा सा आपका ध्यान इधर रखिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ पे एच, नाउ इन टू इन साइड द ब्रैकेट क्या करना है, ये समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन एज इट इज रहेगा ऑफ वन प्लस। अब यहां से थ्री और एच इस समेशन के लिए कॉन्स्टेंट है, क्यों, क्योंकि हम आर का वैल्यू ही वैरी कर रहे हैं, तो यहां पे अगर हम थ्री और एच बाहर लेते हैं तो यहां रहेगा समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ आर। फिर यहां से हम थ्री एच स्क्वायर बाहर लेते हैं, नाउ थ्री एच स्क्वायर समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन आर स्क्वायर। फिर यहां से हमें बाहर लेना है एच क्यूब, अगर हम एच क्यूब बाहर लेते हैं तो समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ आर क्यूब, ठीक है, यहां पे छोटा ब्रैकेट क्लोज होगा फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज होगा। ओके नाउ देयरफॉर अब देखिए हमें हर एक का आंसर यहां पे अब फाइंड करना है, ठीक है, मैं सेपरेटली लिखता हूं। इसके पहले हमने यूज किया है समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन वन, इसका आंसर हमने फाइंड किया है एन, अब यहां पे हम दोबारा फाइंड नहीं करेंगे। फिर समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ आर, इसका भी आंसर हमारे पास है, ठीक है ना, तो हर एक का आंसर मैं अब डायरेक्टली रखता हूं, सब्स्टिट्यूट करता हूं, चलेगा, मतलब उतनी जगह हमारी यहां पे बचेगी अब, क्योंकि जगह हमें ज्यादा लगेगी इसके सोल्यूशन के लिए, मैं सिर्फ यहां पे अब डायरेक्टली रखता हूं। देखिए क्या मिलेगा फिर, देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहां पे है एच, ठीक है, यहां मुझे समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ वन का वैल्यू रखते आएगा एन प्लस थ्री एच इंटू, यहां पे मुझे वैल्यू रखते आएगा एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू, किसका, समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन ऑफ आर का, ठीक है, प्लस थ्री एच स्क्वायर इंटू, यहां पे मुझे वैल्यू रखते आएगा एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय सिक्स, प्लस यहां पे मुझे वैल्यू रखते आएगा एच क्यूब इंटू, देखिए समेशन फ्रॉम आर इक्वल्स टू वन टू एन आर क्यूब, इसका वैल्यू है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर, मतलब एन स्क्वायर इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन फोर, ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट क्लोज फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे एच से, देयरफॉर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहां पे आपको समझ के लेना है और ध्यान भी देना है, अच्छी तरह से ध्यान देना है, लुकिया अब इस एच से एन को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम एन एच लिखेंगे, ध्यान दीजिए। ओके अब इस एच से इस एच को मल्टीप्लाई करते हैं तो एच स्क्वायर मिलेगा, ध्यान दीजिए क्या मिलेगा, एच स्क्वायर, तो इस एच स्क्वायर को मतलब ये एच इस एन के साथ लिखेंगे और या फिर ये एच इस एन के साथ और ये एच एन प्लस वन के साथ, तो इसे हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, थ्री एन एच एच इंटू एन प्लस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, आर यू गेटिंग दिस, क्या किया हमने इस एच से, देखिए ये एन एच लिखा और इस एच से एन प्लस वन को मल्टीप्लाई किया, नाउ प्लस, देखिए अब यहां पर ध्यान दीजिए क्या होगा, ये एच से एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एच क्यूब मिलेगा, एच क्यूब मतलब थ्री टाइम्स एच का प्रोडक्ट, एक एच इसके साथ, एक एच इस ब्रैकेट के साथ, एक एच इस ब्रैकेट के साथ लेते हैं, ये थ्री से सिक्स को डिवाइड करते हैं तो टू मिलेगा, तो देखिए यहाँ के टर्म्स किस प्रकार से लिखते आएंगे, एन एच फिर एच इंटू एन प्लस वन फिर एच इंटू टू एन प्लस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, आर यू गेटिंग दिस, हमने थ्री से सिक्स को डिवाइड किया है प्लस, अब हम क्या करेंगे, इस एच से इस एच क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं तो एच रेस टू फोर बनेगा,
एच रेस टू फोर मतलब एच स्क्वायर का दो टाइम प्रोडक्ट, तो एक एच स्क्वायर हम एन स्क्वायर के साथ लेते हैं तो ये रहेगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर और फिर यहाँ पे रहेगा एच स्क्वायर इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय फोर। समझ रहे आप? फिर से बताता हूँ, ध्यान दीजिए, ये एन एच तो यहाँ पे लिखा हमने, अब एच ये एन एच लिखा और ये एच एन प्लस वन के साथ लिखा क्योंकि एच से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस एच से इस एच स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो एच क्यूब मिलेगा, एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, एच से इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं मतलब एच क्यूब को मल्टीप्लाई करते हैं तो एच रेस टू फोर मिलेगा, तो एक एच स्क्वायर इसके साथ, एक एच स्क्वायर इसके साथ लेना है, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, देयरफोर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, नाउ इट विल बी एन एच प्लस थ्री एन एच, अब इस एच से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं तो एन एच प्लस एच एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, ओके प्लस इसी प्रकार से प्लस देखिए क्या है एन एच, ओके फिर इस एच से एन प्लस वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो एन एच प्लस एच, फिर एच से टू एन प्लस वन को मल्टीप्लाई करते हैं तो टू एन एच प्लस वन एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, ओके हमने थ्री से देखिए सिक्स को डिवाइड किया था तब जाके यहाँ पे टू मिला था हमें, ओके अब इसे एन स्क्वायर एच स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एन एच ब्रैकेट स्क्वायर चलेगा, एन एच ब्रैकेट स्क्वायर, ये एच स्क्वायर एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर है मतलब दोनों को साथ में लेते हैं, एच इंटू एन प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा मतलब यहाँ पे इसको लिखते आएगा एन एच प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे भी एच आ रहा है, यहाँ पे भी एच ही मिलेगा, ठीक है ना, एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय फोर, ये पूरे टर्म का छेद कितना है, फोर है, ओके अब जहां जहां एन एच है वहां पे हम रख सकते हैं टू, देयरफोर ध्यान दीजिए, देयरफोर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये पहला जो एन एच है इसको हम टू रखेंगे, टू प्लस थ्री इंटू टू इंटू, देखिए इस एन एच को हमने टू रखा, इस एन एच को भी हम टू रख रहे हैं, टू प्लस एच एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, प्लस इसी प्रकार से इस एन एच को टू रखना है, इस एन एच को टू रखना है, इस एन एच को भी टू रखना है, ठीक है, तो क्या मिलेगा, टू इंटू टू प्लस एच इंटू टू इंटू टू प्लस एच, ओके एंड दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय टू, प्लस अब यहां पे भी यहां टू, टू का स्क्वायर फोर, यहां टू प्लस एच मतलब फोर इंटू टू प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन फोर, देखिए एन एच का वैल्यू टू रखा है, टू स्क्वायर मतलब फोर मिलेगा, यहाँ पे एन एच का वैल्यू टू रखा है, टू प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन फोर है, यहाँ पे जस्टिफाई करते हैं, सिंस सिंस एन एच इक्वल्स टू, सिंस एन एच इक्वल्स टू टू, एन एच इक्वल्स टू क्या लेते हैं हम टू, नाउ देयरफोर आई इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, लिमिट एच टेंस टू जीरो टू प्लस, ये टू इस टू के साथ अगर हमने कैंसिल किया, कैंसिल कर सकते हैं इस टू को इस टू के साथ कैंसिल कर सकते हैं तो क्या मिलेगा, थ्री इंटू टू प्लस एच मतलब सिक्स प्लस थ्री एच, सिक्स प्लस थ्री एच, थ्री से टू प्लस एच को मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, सिक्स प्लस थ्री एच, ओके अब यहां पे भी इस टू को इस टू के साथ कैंसिल करेंगे तो क्या मिलेगा, एक ब्रैकेट है हमारे पास टू प्लस एच का, एक ब्रैकेट टू प्लस एच का और दूसरा ब्रैकेट है टू इंटू टू प्लस एच मतलब फोर प्लस एच का, ओके प्लस अब ये फोर इस फोर के साथ कैंसिल होगा तो टू प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर मिलेगा, ठीक है ना, क्या हुआ ये फोर इस फोर के साथ कैंसिल, ठीक है अब देखिए फाइनल आंसर ले सकते हैं हम, देयरफोर आई इक्वल्स टू, अगर लिमिट लेते हैं टू का लिमिट टू मिलेगा, सिक्स प्लस यहाँ पे थ्री इंटू जीरो रहेगा, यस टेंस टू जीरो है, सिमिलरली इस ब्रैकेट में टू प्लस जीरो इंटू फोर प्लस जीरो, ओके टू प्लस जीरो इंटू फोर प्लस जीरो प्लस अगेन टू प्लस जीरो ब्रैकेट स्क्वायर, इस प्रकार से टर्म्स हमें मिले हैं,
ठीक है, हमने लिमिट लिया है. नाउ देयरफॉर आई इक्वल्स टू, इस टर्म का लिमिट 2, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 6 6, 2 प्लस 6 2 इंटू 0 2, 4 इंटू 0 4, 2 इंटू 4 8, ओके, 2 प्लस 0 2, 2 का स्क्वायर 4. ये टर्म्स इस प्रकार से मिलेंगे. अब देखिए 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 4 20, देयरफॉर आई इक्वल्स टू कितना है 20. ओके, आई का वैल्यू क्या मिला है हमें 20. एंड व्हाट इज आई हियर, इट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 3 एक्स क्यूब इक्वल्स टू 20. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 टू 3 एक्स क्यूब डी एक्स, इसका वैल्यू हमें कितना मिला है 20. वैसे ये तो क्वेश्चन ओरली है, बहुत ही ईजी है. अगर हम डायरेक्टली इसे इंटीग्रेशन का मेथड अप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं हम एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का, तो इसका आंसर विद इन सेकंड हम फाइंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हमें इन इंटीग्रल्स को इवेल्युएट करना था एज लिमिट ऑफ सम, मतलब समेशन फॉर्मूला यहाँ पे यूज करना था. ठीक है, चाहे तो एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरे इसका. नाउ लुक हियर, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स, हमने आज के इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट सीखा है, और बहुत ही अच्छी तरह से हर एक स्टेप मैंने आपको अच्छी तरह से आपके सामने रखा है. फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर भेजिए. मैं मानता हूँ कि इसके यहाँ के हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेंदी है, लेकिन अब इसको हम बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर सकते, और आपको हर एक स्टेप समझने के लिए मैंने थोड़ा ज़्यादा भी एक्सपांड इसको किया है. ठीक है, लेकिन मेरा यहाँ पे मतलब मेरा व्यू यही रहता है कि हर एक बात आपको अच्छी तरह से समझे. ठीक है, देखिए स्टूडेंट, मेरी आपसे भी से रिक्वेस्ट रहेगी, आपके जितने भी फ्रेंड्स अभी क्लास ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं उनके साथ इन वीडियोस लेक्चर्स को प्लीज़ शेयर कीजिए. साथ में आपके जो भी फ्रेंड्स हैं रिलेटिव्स क्लास 9th 10th 11th और 12th में पढ़ते हैं, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आवश्यक है. ठीक है, आप भी वीडियो देखे बाद कमेंट करना ना भूलिए, इन वीडियो को आपके फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो.